नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड 2 फरवरी दिन मंगलवार। खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। नीतीश सरकार के कैबिनेट का होने वाला है विस्तार, बीजेपी कोटे से होंगे ज्यादा मंत्री। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पकड़े गए 9 ट्रक शराब, पेटियां गिनते गिनते थक गए अफसर। लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू को ढूंढने बिहार पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। झारखंड में हुआ अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम, अपराधियों ने गायब किए 10 करोड़ रुपए। झारखंड में आज से शुरू हुई अदालतों में फिजिकल सुनवाई, वकीलों में खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रहा इंतजार अब जल्द खत्म होने की ओर है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद मंत्रियों की संख्या, चर्चा और नामों को लेकर विचार हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर बीजेपी में और सहयोगी दल जेडीयू के साथ सहमति बन गई है। जल्द ही नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी राजधानी पटना में प्रशासन के नाक के नीचे अवैध रूप से शराब की खूब तस्करी हो रही है। यही वजह है कि उत्पाद विभाग ने पटना में अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी है। उत्पाद विभाग ने 5,000 शराब की पेटियों को बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में पटना सिटी बाईपास थाने के प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसका प्रमुख आरोपी दीप सिद्धू अब तक फरार है। देशद्रोही का आरोपी पंजाबी फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू कहां छिपा है, इसकी तलाश जारी है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि वह बिहार में कहीं छिपा है। दिल्ली पुलिस जो कि उसे ट्रैक कर रही है, उन्होंने उसकी आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से भी संपर्क किया है और दिल्ली पुलिस की टीम बिहार पहुंची हुई है। झारखंड के गढ़वाल जिले में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम देखने को मिला है, जहां साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। दरअसल जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र में डोमीन नदी है, यहां पर राज्य सरकार ने बराज बनाने की स्वीकृति दी थी। आज इस योजना में सबसे बड़ा घोटाला साइबर क्राइम के अपराधियों ने किया है। बराज के पास रहने वाले देहात लोगों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का मुआवजा भेजा था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी किसकी मिलीभगत से हुई है, यह किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। झारखंड की अदालतों में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब न्यायालय में फिर से चहल पहल दिखाई देने लगी है। वहीं राज्य भर के वकीलों में खुशी की लहर है। वकील फिजिकल सुनवाई शुरू किए जाने की मांग कर रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने के निर्देश दिए थे। कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के करीब 10 महीने बाद झारखंड की अदालतों में अब मुकदमे की सुनवाई आमने सामने होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।